पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन रोक दी गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत महकमा तालीम में प्रमोशन के लिए डीपीसी मुनक्किद नहीं होगी, इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया गया है। मजीद इस मुरासले में कहा गया है कि हुकूमत कायम है तब तक के लिए तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, पंजाब भर के तीन लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है कि एक्ट 2017 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब भर के तमाम असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन जो है वो रोक दी गई है और इस हवाले से कोई भी डीपीसी जो है वो मुनक्कद नहीं की जाएगी महकमे में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से एक्ट 2017 के मुताबिक इस पर पाबंदी आयद होगी और असातिज़ा ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि इन सर्विस प्रमोशन से उनकी तरक्कियाँ जो हैं काफ़ी अरसे तक नहीं हो सकेंगी और इससे उनकी सीनियोरिटी भी जो है वो मुतासर होगी। और इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो शदीद तशवीश का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो अपने फैसले के ऊपर जो है वो नज़रसानी करें, क्योंकि इस फैसले से तकरीबन असातिज़ा के 5 से 6 माह तक जो है वो इन सर्विस प्रमोशन नहीं हो सकेगी और डिपार्टमेंट भी जो है डीपीसी मुनक्किद। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जी, पंजाब भर के तीन लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है कि एक्ट 2017 इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब भर के तमाम असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन जो है वो रोक दी गई और इस हवाले से कोई भी डीपीसी जो है वो मुनक्कद नहीं की जाएगी महकमे में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से एक्ट 2017 के मुताबिक इस पर पाबंदी आयद होगी और असातिज़ा ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है कि इन सर्विस प्रमोशन से उनकी तरक्कियां जो हैं काफ़ी अरसे तक नहीं हो सकेंगी और इससे उनकी सीनियोरिटी भी जो है वो मुतासर होगी। और इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो शदीद तशवीश का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो अपने फैसले के ऊपर जो है वह नज़रसानी करें, क्योंकि इस फैसले से तकरीबन असातिज़ा के 5 से 6 माह तक जो है वो इन सर्विस प्रमोशन नहीं हो सकेगी और डिपार्टमेंट भी जो है डीपीसी मुनक्किद। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।